वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रॉस रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चैनल पर नहीं हो चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले इंट्रो, मेरा नाम वजहत है, मैं हूं बशीर सैयद। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने लगी है, तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडियन पीपल सेंड स्ट्रांग मैसेज इन कनाडा एंड यूके बाय तिरंगा रैली, इंडिया इन वन एंड स्ट्रांग, इंडिया इज वन एंड स्ट्रांग। मतलब इंडियन लोगों ने मेरे ख्याल में कोई रैली निकाली है यूके और कनाडा में, तिरंगा रैली जिसका नाम दिया जा रहा है, और इससे ये शो हो रहा है कि इंडिया एक है और मजबूत है, एक ताकतवर है। तो देखते हैं जल्दी से वीडियो, उसके बाद पता लगेगा पूरी सिचुएशन क्यों है और ये रैली क्यों निकली है। Exactly. तो इंडी प्लस न्यूज का वीडियो है, ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा इनका डिस्क्रिप्शन में, तो इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। वो बंदे मात्रा लोग पूरे रोड ब्लॉक करके रखे हुए लोगों ने, तो काफी लोग हैं गाड़ियों पे भी। सबसे बड़ी खबर आ रही है इंग्लैंड यूके से, सरी टू वैंकूवर तिरंगा रैली निकाली गई है, और ये तिरंगा रैली यूके में रह रहे खालिस्तानियों और खालिस्तानियों के गढ़ कनाडा की सरकार को साफ संदेश है। अच्छा, कि उन्होंने जो भारत विरोधी ताकतों को अपने देश कनाडा में जगह दे रखी है भारत को तोड़ने के लिए, वो जो एजेंडा भारत के मासूम किसानों को भड़काकर भारत की सरकार के खिलाफ जो चला रहे हैं, वो एजेंडा बिल्कुल सत्यानाश उनका होने वाला है। मतलब क्योंकि 100 से भी ज्यादा कारें इस तिरंगा रैली में सरी टू इंडियन काउंसलेट वैंकूवर में पहुंची हैं, और इंडियन काउंसलेट के बाहर इन्होंने भारत का तिरंगा लहराकर जय जवान जय किसान का नारा लगाकर आज उन खालिस्तानियों और उन सभी देश विरोधी ताकतों को संदेश भेजा है कि उन्होंने ना जाने गलत तरीके से या फिर सोची समझी साजिश के बावजूद भी आज पूरे देश को एक कर दिया है। यही कारण है कि भारत के काउंसलेट के बाहर आज 100 से भी ज्यादा कारें पहुंची हैं और उन्होंने तिरंगा रैली निकाली है, और ये तिरंगा रैली ये दिखा रही है कि आज भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर भारतीय एक है, और जो ये देश विरोधी ताकतें बॉर्डर पर बैठकर पूरी दुनिया में भारत का जो मजाक बना रही है वो आज साफ हो गया है कि जाली प्रोपोगेंडा किसानों के नाम पर ये चला रही है। ये तिरंगा रैली उन सभी नापाक हरकतों को एक जवाब है जो आज भारत में रहकर भारत के किसानों को भड़का कर नरेंद्र मोदी की ताकतवर छवि को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों, ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये नहीं चाहते हैं कि भारत आज तरक्की करे, भारत आज चीन और पाकिस्तान से भी ज्यादा मजबूत हो और दुनिया की सुपर पावर बनने का दम आज डर है कि अगर भारत की नरेंद्र मोदी सरकार इसी तरीके से रिकॉर्ड तोड़ एक काम करती रही तो ना जाने भारत किस रफ्तार से आगे निकल जाएगा। और जैसे जैसे भारत आगे निकलता जा रहा है, वैसे वैसे भारत को तोड़ने वाली जो ताकतें हैं उनको दबाता जा रहा है, खत्म करता जा रहा है। यही कारण है कि आज उन्हें अपना जो एक उनको रोजी रोटी होती थी, जो एक धंधा उनका चला करता था देश विरोधी ताकतों का, वो अब उनका चौपट होने लगा है। तो अब भारत की नरेंद्र मोदी सरकार के आगे वो इस तरीके के एक एग्जाम्पल खड़े कर रही है। ये रैली आज उनके गढ़ में उनको साफ संदेश है और उनके मुंह पर करारा तमाचा है कि यहां पर आज भारतीय अपनी तिरंगा को अपनी जान समझते हैं, और किसी एक धर्म के झंडे को जो लाल किले पर फहराकर उन्होंने जो कांड किया है उस कांड के चलते आज भारत एक हो गया है। और दोस्तों, आपका एक कमेंट इस वीडियो में उन सभी लोगों को जवाब है जो लोग आज भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो जो भारतीय आज कनाडा से लेकर दुनिया के दूसरे देशों में रहते हैं, आज वो करारा जवाब दे रहे हैं उन खालिस्तानियों को जो आज भारत की एम्बेसी को घेर रहे हैं दुनिया के दूसरे देशों में, और उन सभी लोगों को आज ये तिरंगा रैली संदेश दे रही है कि वो देश तोड़ने की जो बातें इन एम्बेसी के सामने अपना प्रोटेस्ट करके दिखा रहे थे, आज देश एक हो गया है। उन्हीं के ही गढ़ में भारतीय दूतावास के बाहर तिरंगा लहराकर उनको संदेश दिया है कि वो जो देश तोड़ने की गतिविधि लाल किले पर करके आए हैं उस कारण से उनकी छवि गिरी है, और इसी छवि गिरने के कारण आज देश
एक हुआ है और उनका जाली प्रोपोगेंडा ग्रेटा थंडरबर्ग से लेकर मिया खलीफा और रिहाना तक जो चला है वो आज जीता जागता सबूत है कि ये लोग देश तोड़ने की बात कर रहे थे लेकिन आज भारत की जनता जाग गई है और उनके एजेंडे के मुंह पर आज करारा तमाचा जड़ रही है। एक एक कॉमेंट आज आपका बहुत जरूरी है इस वीडियो के चलते, कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इधर ही वीडियो खत्म, आप भी यार कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना। और दूसरा बात यार, मतलब देखा जाए ना, वो ये वाला एक मैटर इंडिया का अपना है, ठीक है ना। तो मतलब मैं कहता हूँ किसी भी कंट्री का, सिर्फ इंडिया का नहीं, किसी भी कंट्री का कोई मैटर हो तो उसे खुद समझा जाना चाहिए। बीच में बाहर वालों को क्या काम, कभी मतलब यूके में आप कोई पंगा हुआ तो इंडिया कुछ बोले नहीं, या इंडिया ने कोई मतलब कुछ बोला है कि मतलब इस तरह चलो भाई। इंडिया तो अपने काम से काम रखता है भाई, वो किसी से नहीं करता उलझता। तो ये अपना मेरे ख्याल में काम था, तो मतलब मेरे लिहाज से मुझे नहीं लगता कि मतलब उनको किसी को बोलना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आज प्रूव कर दिया कि इंडिया के लोगों ने उसी जगह में खड़ा होकर, मेरे ख्याल में पिछले दिन ये जस्टिन ट्रूडो जो मतलब कनाडा का पीएम है ना, ये प्रेसिडेंट है जो भी, उसने भी बोला था इस बारे में। भड़का रहे, मतलब इंडिया को वीक करना चाहते हैं, अंदर से खोखला करना चाहते हैं, क्योंकि किसान होते हैं ना, वो एक जड़ होती है। हाँ। सारी चीज करते हैं यार, बिल्कुल। तो मतलब और दूसरी बात है यार, और दूसरी बात ये जो ये है, मतलब ये सारे लोग हैं जो निकले, इन्होंने ये बात प्रूव की है कि हम कहीं भी रहे लेकिन दिल है हिंदुस्तान, दिल है हिंदुस्तान। उधर की अलग इनके पास नेशनैलिटीज होंगी, उनके खिलाफ जाकर ये उनका मतलब सपोर्ट अपनी कंट्री को कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं मतलब दिल हिंदुस्तानी। और मुबशिर मतलब यार वो वो किले लाल किले का बोल रहे थे जिक्र के, उन्होंने किया कि उस पर क्या हुआ वो वीडियो में, अभी लाल किला था या कौन सा था वो, क्या सीन हुआ है वो, ये जो बता रहे थे यार हमें नहीं पता। तो प्लीज अगर किसी को पता हो तो वो कॉमेंट सेक्शन में प्लीज बता सकता है। और मुबशिर मैं कहता हूँ कि वीडियो एंड था, मतलब लेडीज भी थी, जेंट्स भी थे सारे, तो 100 से ज्यादा गाड़ियां आई हुई थी। अगर उन गाड़ियों में तकरीबन 3-3 अगर बंदे भी कर दो ना, मतलब ड्राइवर समेत, तो तू खुद सोच कहाँ पे मतलब ज्यादा हो जाते हैं, मतलब 300-400 लोग होगा वहाँ। बिल्कुल कम नहीं है, एक आउट ऑफ कंट्री में इतना बंदा, एक मतलब एक इतना बंदा इकट्ठा। बिल्कुल, और यार वो कुछ मतलब कंट्रीज है यार, भड़काने ज्यादा गाड़ी मतलब बीच में आई थी। और यार हम तो यही होप करते हैं, हम बहुत मतलब दुआ करते हैं कि मतलब ये जल्दी मसला हल हो, जो मतलब है जो जैसे पहले था वैसे हो जाए, ताकि एक फिर से मजबूत एक इंडिया बने। बिल्कुल। सो गाइस, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें, क्योंकि आपकी राय बहुत लाजमी। बिल्कुल। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।